वेलकम बैक टू रेस आईएएस। आज का करंट टॉपिक है भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। विदेशी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित मानदंड। भारत में वही विदेशी संस्थान पात्र हैं जिन्होंने समग्र या विषयवार वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई हो या अपने देश में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यह विश्वविद्यालय पूर्णकालिक कार्यक्रम ही शुरू कर सकेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से क्या लाभ हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों और संस्थानों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से भारतीय शिक्षा का विदेशों में प्रचार प्रसार बढ़ेगा। इससे भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों के भारत छोड़कर विदेश जाने में भी काफी कमी आएगी। भारतीय छात्रों को कम खर्चे पर विदेश डिग्री मिल पाएगी और भारत अध्ययन और शोध के लिए किफायती और आकर्षक केंद्र के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। वर्ष 2022 में ही करीब 4.5 लाख भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। हर साल हमारे देश का लगभग 28 से 30 अरब अमेरिकी डॉलर बाहर जाने से बच जाएगा। अनुमान यह है कि 2024 तक 18 लाख छात्र विदेश जाएंगे और लगभग 6.4 अरब रुपए खर्च करेंगे, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है। भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय और 42000 से अधिक महाविद्यालय हैं। विश्व के सबसे बड़े उच्च शिक्षा तंत्रों में से एक होने के बावजूद उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात, दैट इज GER, सिर्फ 27.1% है, जो कि विश्व में सबसे कम है। भारत का कोई भी विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल नहीं है। कर्मचारियों की कमी, कम संसाधन, छात्रों का बीच में पढ़ाई छोड़ना और संस्थानों का राजनीतिकरण जैसी चुनौतियां भारतीय अकादमिक संस्थानों को अपना मूल्य वर्धन करने से रोकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आधारशिला रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित मापदंडों के निर्धारित हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यह आयोग पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक सुझाव भी देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके देश में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु। इस टॉपिक से रिलेटेड आज इतना ही। ऐसे ही करंट की न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डाउनलोड द रेस आईएएस ऐप। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस, प्लीज़ कॉल ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।